हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा सभी को जो है अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमने आपने भी अगर फरवरी में कटिंग लगाई होगी तो अगर इनको जो है इस टाइम पे कैसे शिफ्ट करें, यानी कि जो कटिंग है गुड़हल की उनको जो है किस मिट्टी में लगाए ताकि जो है अच्छे से पौधा हेल्दी ग्रोथ करे और क्या है बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ करे और ढेरों सारा जो है हमें फूल देने लगे, तो इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए ये है छोटे से क्लासेस में हिबिस्कस के जो है मैंने कटिंग लगाए थे फरवरी में, यानी कि बहार बसंत के मौसम में। अभी रेनी सीजन आ गया है तो इस टाइम पे क्या है हम किसी भी पौधे की जो है रिपॉटिंग कटिंग बहुत ही आसानी से जो है हम लगा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी की। तो यहाँ पे देखिए अगर मिट्टी की बात करें तो मैंने कौन से मिट्टी लिए हैं, तो ये देखिए जो मैं मिट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ इनमें क्या थोड़े से पुराने गमले की मिट्टी है, लेकिन यूज करने से पहले उनको क्या है मैंने अच्छे तरीके से जो है ड्राई कर लिए थे धूप में, उसका फिर से ये थोड़े से गिल्ले हो गए हैं, फिर भी मैं क्या है इनको ढक के रखी थी। तो इस मिट्टी में क्या है ऑलरेडी थोड़ा सा जो है खाद मिक्स है, तो इनमें जो है आधा आधा करीब जो है सैंड और जो है नॉर्मल गार्डन सॉइल ये दोनों इस मिट्टी में मिक्स है। तो ये मैं मिट्टी ले रही हूँ। अगर रेशियो की बात करें तो देखिए आपने क्या है इसमें डाल लीजिए 40% के करीब जो है आप डाल लीजिए नॉर्मल गार्डन सॉइल, 20% के करीब जो है सैंड लेना है, 25% के करीब जो है कंपोस्ट लेना है, कोई भी कंपोस्ट जो है आप ले सकते हैं, 10% के करीब जो है आपने जो है नीम जो है खली होती है वो लेना है और बाकी बची है 5%। तो 5% में आप ले सकते हैं फर्टिलाइजर हो गया, एंजाइम हो गया, एप्सन सॉल्ट हो गया, फंजीसाइड हो गया और DAP हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है 5% में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बराबर जो है आप ले लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ। तो ये है दोस्तों एंजाइम जो मैंने सबसे पहले डाला था वो था गार्डन सॉइल और सैंड, उसके बाद मैंने डाला था बर्मी कंपोस्ट मैंने 2 भर के कप डाला था क्योंकि ऑलरेडी इसमें खाद है, उसके बाद मैंने डाला था एंजाइम लिया था 1 बड़ी चम्मच के करीब एंजाइम, 1 बड़ी चम्मच के करीब जो है यहाँ पे बोन मिल डाला मैंने। अब ये देखिए ये है फंजीसाइड, तो आप फंजीसाइड डाल सकते हैं, अगर फंजीसाइड नहीं है तो नीम खली जो है डाल सकते हैं। तो मैंने क्या है नीम खली नहीं डाले क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी जो है नीम खली जो है नहीं, तो इसलिए 1 बड़े स्पून जो है मैंने फंजीसाइड डाला और DAP जो है 1 छोटे स्पून जो है मैंने डाल दिया इसमें, क्योंकि ये DAP देखिए काम करता है कि पौधे की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छे से जो शुरुआती स्टेज में अच्छे से ग्रोथ बढ़े, तो उस पर क्या है ये DAP काम करता है। और बाकी 10% में ये सब चीज़ें आप डाल लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला जो ये है ये नीम जो है नीम नहीं है सॉरी मस्टर्ड खली फर्टिलाइजर है, देखिए इनको क्या मैंने बारीक कर लिया, तो मस्टर्ड खली का भी इस्तेमाल जो है हम मिट्टी में कर सकते हैं। और ये अगला जो फर्टिलाइजर की बात करें तो ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सन सॉल्ट, तो एप्सन सॉल्ट भी जो है मिट्टी तैयार करते समय इसका जो इस्तेमाल जरूर कीजिए, 1 चम्मच जो है के करीब जो है आप ले लीजिए। तो ये जो मैं मिट्टी बना रही हूँ 1 9 इंच का गमला है उसके लिए बना रही हूँ, तो इन सभी को जो है लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिट्टी रिच बनाएंगे अच्छा बनाएंगे तभी क्या है पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और अच्छे से क्या है फलेंगे फूलेंगे। तो सारी डिटेल एक बार मैं क्या स्क्रीन पे भी डाल दूंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न वगैरह जो है ना हो जो है सोयल मीडिया बनाने में। यहाँ पे क्या है कैल्शियम के लिए मैंने बोन मील का इस्तेमाल किया है, तो आप चाहें तो रॉक फॉस्फेट या फिर स्टोन डस्ट या फिर चूना जो है पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं। तो इन सभी को जो है मिला के अच्छी तरीके से जो है मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से मिलाना है मिट्टी को ताकि अच्छे तरीके से जो है ये मिक्स हो जाए सोयल हमारा। और इनमें हमने डाला है सबसे पहले कंपोस्ट में देखिए ये इकलौता खाद जिसमें सब कुछ जो है सारे पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं पौधों के लिए। उसके बाद जो है अब बात करें कि बोन मिल का पता लगे आपको कि कैल्शियम के लिए जो है हम डालते हैं और फॉस्फोरस के लिए डालते हैं, बाकी जो नीम खली में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है पाए जाते हैं और प्लस जो है फंजीसाइड मतलब पौधों को फंगस से जो है मिट्टी में फंगस जो है नहीं पनपने पाएंगे वही फंजीसाइड का भी काम है। ट्राइकोडर्मा भी इस्तेमाल कर सकते हैं फंजीसाइड की जगह पे। और एंजाइम डाला, एंजाइम देखिए भरपूर मात्रा में इसमें क्या पोटेशियम कैल्शियम और जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधों के जो है फ्लावरिंग स्टेज पे या कलियां बनाने में या फिर उनके जो स्टार्टिंग स्टेज होती है फ्लावर आने में वो उस पर जो है वर्क करते हैं
और मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए डाला ताकि जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो काफ़ी अच्छे से हेल्दी हो, लीफ जो है बिल्कुल लश ग्रीन हो, जो पत्तियों का कलर होता है, क्योंकि मैग्नीशियम ही है जो पौधों की जो न्यूट्रिएंट लेने में, खाना जो पहुंचाने में जो है हेल्प करता है, तभी पौधे अच्छे से खाना लेते हैं। यानी कि जो पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोसिस की जो समस्या वो नहीं आती है, यानी क्लोरोफिल में जो है हेल्प करता है ये मैग्नीशियम, यानी कि एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट जरूर डालें मिट्टी तैयार करते समय। तो चलिए ये डिटेल मैंने आपको बता दिया, सब कुछ आपको क्लियर हो गया। अब बारी आती है कटिंग को लगाने की। तो इनमें क्या है, 3 से 4 कटिंग लगे हुए हैं, तो देखते हैं निकाल के कि कितने परसेंट जो है कटिंग है, सारी की सारी लगी हुई है कि कोई मतलब कटिंग खराब ही हुई। क्योंकि जहाँ तक देखिए मेरे एक्सपीरियंस है, सारी की सारी कटिंग जो है कभी लगती नहीं है, मे बी 1 या 2 खराबी हो जाती है, या बाय चांस होता है कि सारी की सारी कटिंग हम लगाते हैं और सारी की सारी जो है कटिंग लग जाती है। तो जब भी आप कटिंग लगाएं तो आप कम से कम 5 से 6 कटिंग लगाएं। तो ये देखिए ये इसमें क्या है, रूट मेरे ख्याल से बनी नहीं है, लेकिन जो है लीव्स है जो अभी फुटाव जो है हो गया है। तो इनमें क्या है, ये जो पौधा देख रहे हैं ये है मेडिसिनल वैल्यू रिच पौधा है ब्रह्मी का। तो इसको मैं साइड में कर देती हूँ, इसे कहीं और लगा दूंगी बहुत आसानी से। बरसातों में तो बहुत तेजी से जो है ये फैलता है पौधा। तो बट देखिए बस ऐसे ही सिंगल सिंगल आराम से थोड़ी सी जो प्यार से हमने रूट को जो है अलग कर लेना है। और 3 जो है मैं इसी में गमले में लगा दूंगी, गमला बड़ा है, देखिए बड़ा मैंने ले लिया है, अगर इसे थोड़ा सा छोटा हम इस्तेमाल करते तो ठीक रहता। तो सारी की सारी कटिंग जो है मैंने इसमें लगा दी, 3 कटिंग है, 3 कटिंग को मैंने जो है इकट्ठी लगा दी, और 1 जो है मैंने जो है उसी ग्लासेस में लगा देंगे ताकि वो अलग से थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, तो उसके बाद हम जो शिफ्ट कर देंगे। तो मे बी शायद रेनी सीजन ख़त्म होने से पहले कर दूं, या फिर अगर नहीं कर पाई तो बेशक जो बसंत का मौसम आएगा यानी कि फरवरी का, उस टाइम पे कर देंगे। तो देखिए फाइनली क्या है, मैंने शिफ्ट कर दिया, अब मिट्टी थोड़ा सा और फिल कर देती हूँ और मिट्टी दबा देंगे। और इस टाइम पे क्या है, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे कटिंग को जो है हम लगाते समय। देखिए पानी देते समय अक्सर क्या होता है, जो भी हम लगाते हैं पौधे वो हिल जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जो मैं यहाँ पे पुश कर रही हूँ ताकि हिले ना पानी देते समय, पानी देते समय भी ध्यान रखिएगा। तो इस टाइम पे कटिंग देखिए जो भी पौधे हिल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन पानी देने के बाद या फिर उनको कटिंग लगाने के बाद यानी पौधे को रिपोर्ट करने के बाद जो है हवा से जरूर बचाए, आंधी तूफान से जरूर बचाए, या फिर हरकत से जरूर बचाए ताकि ये मूवमेंट ना करे। नहीं तो क्या है, पौधा जो है उसमें क्या है, हवा वगैरह क्रॉस होगा तो पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने कहा था 2 कटिंग, देखिए इनमें फुटाव तो है, पत्तियां जो आ रही लेकिन जो है रूट नहीं बने हुए, तो कोई फ़ायदा नहीं, चलो इसको हम फेंक ही देते हैं। तो चलिए इस ग्लासेस में जो है हम इसे भी लगा देते हैं कि उनके रूट जो है काफ़ी अच्छे से जो है डेवलप हो गई हैं। तो यहाँ इसे मैं उठ के गई कुछ सर्च करने तक, कोई और कंटेनर मिल जाए, तो मुझे मिला नहीं फिलहाल, तो इसीलिए क्या है मैंने ग्लासेस में ही लगा दिए। अब क्योंकि कटिंग देखिए छोटी है तो इसमें चल जाएगी, इतना वो दिक्कत वाली बात नहीं कि रूट बॉन्ड हो जाएगा। जब रूट बॉन्ड हो जाएगा तो हम थोड़े से बड़े गमले में जो है शिफ्ट किए हैं, गमले ऑर्डर किए हैं मैंने, लेकिन अभी वो आए नहीं है। देखिए रूट कितने अच्छे से जो है डेवलप हो गए हैं। तो चलिए बीच में होल कर देते हैं और बिल्कुल सेंटर में प्लेस करना है, उसके बाद पानी दे देंगे। तो पानी क्या है, अभी तो हमने फंजीसाइड डाल दिया मिट्टी में, तो हम सिंपल भी वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या है मैं यहाँ पे सिंपल वाटरिंग नहीं करूँगी। मिट्टी में मैंने एक चीज़ नहीं डाला है, वो है दोस्तों बूड ऐश यानी कि राख। राख भी जो है हम पॉटिंग मिक्स बनाते समय हम 1 चम्मच के करीब जो है डाल सकते हैं। देखिए राख में भी कैल्शियम होता है, पोटाश होता है, और फंगस को तो मारने की शक्ति होती है, तो बहुत जो है अच्छा फर्टिलाइजर है एक राख, बहुत आसानी से जो है मिल जाता है। तो ये देखिए क्या बारिश हुई है तो गीला हो गया है, तो 1 चम्मच के करीब जो है 3 लीटर करीब जो है पानी है इसमें मैं डाल दे रही हूँ, उसके बाद क्या है पौधों को जो है दे देंगे। तो देखिए कटिंग के थ्रू हम बहुत सारे जो है पौधे, एक से जो है बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। इस टाइम पे भी बहुत सारे जो है कटिंग जो है लगाने का अच्छा टाइम है। आप क्या है बाहर से भी कहीं से भी रोड साइड से भी लेके या किसी पार्क से भी कटिंग लेके बना सकते हैं, क्योंकि ये हिबिस्कस की कटिंग में भी पार्क में तो आसानी से आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो उंगली जितनी मोटी या उससे भी थोड़ी सी कम मोटी भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मुलायम कटिंग मत लेके आइएगा नहीं तो लगेगी नहीं। हिबिस्कस की कटिंग कैसे लगाएं इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप देख के चेक कर सकते हैं। तो चलिए पानी दे देते हैं, उसके बाद हम इनको रख देंगे। कहाँ पे प्लेस करना है हमने इनको, वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ पे क्या है डायरेक्ट सनलाइट, यानी डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है हमने, वहाँ पे रख दीजिए। बिल्कुल छांव में भी नहीं रखना है, यानी कि बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं रखना है, वहाँ पे रखिए जहाँ सूरज की रोशनी तो मिले इनको, लेकिन जो है डायरेक्ट ना मिले, छन के मिले।
और जो लगातार बारिश हो रही है तो बारिश की जो है लगातार पानी भी जो है इनको ना मिले, नहीं तो लगातार बारिश की पानी इनको मिल जाए तो कटिंग में जो है पौधा है वो भी मूवमेंट करेगा, तो मे भी शायद जो है हमारी सारी मेहनत पे ना 3-4 महीने की मेहनत पे पानी फिर सकता है। इसलिए ऐसी जगह पे जो है प्लेस कर दी जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट हम ना करते हों, ज़्यादा ही जैसे हाथों वगैरह से जो है टक्कर टुक्कर जो है लग जाता है। तो मैं चलिए अब तो लग गया, मैंने यहाँ पे जो है ये देखिए कल की डेट में मैंने जो है कटिंग लगाए थे, तो ये जो मैंने प्लांट रिपोर्ट किए हैं कटिंग से जो मैंने लगाए थे वो दोस्तों था क्या बोलते हैं देसी वैरायटी रेड कलर का जो है फ्लावर खिलते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से लगते हैं। तो देखिए पौधा एक से जो है 3 पौधे मेरे पास रेडी हो गए, और फ्यूचर में क्या है मैं इनको भी निकाल के डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल इसी में रहने देती हूँ। तो चलिए क्या है इनको मैं रख देती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।